हेलो नमस्ते, मैं हूँ पल्लवी माणिक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे इंडियन रूट्स इन यूएसए। ये साल का अपना नया वीडियो है, मैं आपको विश करना चाहती हूँ। आई विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आपका ये साल मंगलमय हो, आपके सारे मनोकामनाएं सारी पूरी हो, यही विशेष के साथ आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली बहुत दिनों के बाद मैं वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मॉम डैड थे मेरे साथ में, अभी वो चले गए इंडिया, तो मेरा मन नहीं कर रहा था वीडियोस बनाने का। थोड़ा सा रूटीन इधर उधर हो गया था, तो थोड़ा सा टाइम लगा पिकअप करने के लिए। आई होप आप सभी ठीक हो। आपका न्यू ईयर कैसे रहा आप मेरे साथ शेयर करना। अगर आप मुझे पूछते हैं तो मैं नहीं सेलिब्रेट करती हूँ, उसके पीछे भी कुछ रीजंस हैं। अगर वो रीजंस मैं शेयर करने बैठूँ तो फिर वो कुछ अलग जगह पे जाएगा वीडियो, तो इसलिए नहीं बता पाऊँगी, पर मैं नहीं करती हूँ। और रही बात रेजोल्यूशंस की, तो उसमें भी आपका क्या क्या खुद को आपने प्रॉमिस करके रखा है ये भी मुझे बताना। और मैं ये भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ना वो सिर्फ दो ही दिन फॉलो करती हूँ, उसके बाद तो मेरा होता नहीं है, तो वो नहीं करती हूँ मैं। पर मुझे खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लाने हैं, कुछ खुद को समझाना भी है, जो कि लाइफ लॉन्ग वो टिके रहे, ऐसा मैं खुद पे काम कर रही हूँ फिलहाल। अगर मैं शेयर कर सकती हूँ, क्योंकि देखो सभी के लाइफ में अप एंड डाउन्स होते रहते हैं, पर छोटे छोटे चीज़ें अब उन लोगों को इतना मैटर करता है। अभी जैसे मैं हूँ, अभी मुझे लग रहा है ना कि मॉम डैड आए थे पर अभी वो निकल गए, तो जाने के बाद इतना मैं मिस कर रही थी, मुझे लग रहा था ना कि मैं भी इंडिया चली जाऊँ, मुझे भी इंडिया जाने का मन कर रहा था। फिर लग रहा था कि हम लोग यहाँ क्यों हैं, बहुत सारे निगेटिव वो मतलब पास्ट में ही जी रही थी, प्रेजेंट में क्या चल रहा है उसका कोई लेना देना ही नहीं था मेरे साथ। तो उसके ऊपर भी मैंने खुद के साथ काम की। तो हम लोग पास्ट में ना रह के प्रेजेंट में कैसे जीना, उसके लिए एक छोटा सा मैं आपको स्टोरी बताती हूँ। बुद्धा के ज़माने में ना, बुद्धा भगवान जो है वो जिस गाँव में रहते थे वहाँ पर एक लेडी रहा करती थी, जो कि बहुत ब्यूटीफुल लेडी थी वो, और उसका काम था नर्तकी थी, यानी कि वो डांस वगैरह करती थी उस गांव में, और वहाँ पे लोग जाके बैठना, वो जो माहौल रहता है आप समझ गए होंगे। तो वो लेडी थी, और उसी गांव में सारे लोग शाम होते ही बुद्ध भगवान के यहाँ जाते थे मेडिटेशन करने के लिए, वहाँ के फीलिंग्स, वहाँ के वाइब्रेशंस लेने के लिए। फिर एक दिन ना इस लेडी के दिमाग में भी वो बात आया कि वो चाहती थी कि मैं क्यों ना जाऊं बुद्धा भगवान के पास, अगर मैं वहां जाऊंगी तो शायद मुझे भी कुछ अच्छा लगेगा, ये जो मैं कर रही हूं वो शायद मैं नहीं अच्छा कर रही हूं, तो मैं भी चाहती हूं तो वहां पे जाऊं। तो एक्चुअली उस लेडी के दिमाग में ये बात आना बहुत ही कमाल की बात थी। एक्चुअली वो लेडी उस दिन बुद्ध भगवान के पास पहुँच गई। फिर भगवान एकदम बैठे थे आराम से आंखें बंद करके, उनका जो प्रसन्नता, वो एक स्माइल उनके फेस पे, वो सब देख के ना वो एक्चुअली वहीं पे प्रसन्न हो गई थी। फिर वो गई उनसे बात करने लगी, वो बोली कि मैं एक्चुअली इतने मेरे मतलब वो खुद जब 15-16 साल की थी तब से वो कर रही है ये काम, और मतलब उसका 20 से 25 साल तो उसने इसमें डाला है। तो वो बोल रही थी कि अगर मैं इतने साल में ये काम कर रही हूँ और मेरे कारण बहुत सारे लोगों का मन टूटा है, फिर मैं अभी ये बंद करके मैं अच्छा जीवन जी सकती हूँ क्या, मुझे वो लाइफ मिलेगा क्या, मैं पवित्र होके मैं लाइफ जीना चाहती हूँ। तो भगवान बोलते हैं, भगवान के पास ना एकदम 2 मिनट में उन्होंने उसको समझा के भेज दिए, और इतना प्रैक्टिकली उसको समझाया ना, वो एक पॉट मंगाते हैं, पॉट में मिट्टी और पानी दोनों डाल के उसको मिक्स करते हैं अच्छे से, फिर उसको बोलते हैं कि ये क्या है, तो बोलते मिट्टी और पानी है, तो बोलते हैं कि अगर इसको तो थोड़ी देर रखेगी ऐसे ही तो इसमें तुझे क्या दिखेगा, तो वो बोलती है कि अगर मैं थोड़ा सा वेट करूँगी तो मिट्टी नीचे चला जाएगा, ऊपर जो रहेगा वो एकदम क्लियर वाटर रहेगा, जो कि वो प्रैक्टिकली उसको समझाना चाह रहे थे। तो उसको बार बार मिक्स करके वो फीलिंग्स बार बार लाना है, पास्ट कैसा रहा, मैंने इनको हर्ट किया, मैंने उनको हर्ट किया, उस गिल्ट में जीने से अच्छा है कि थोड़ा दिन ब्रेक लो
अपने आप वो गिल्ट भी अंदर चला जाएगा, आपके सारे फीलिंग्स अंदर चले जाएंगे। आप जिस तरीके से आपके अंदर बदलाव लाए हो उसको देख के भी लोग आपको चाहने लगेंगे। तो आपको सिर्फ काम करना है खुद पे, और पास्ट को लेके लोग क्या बोलेंगे इसके ऊपर बिल्कुल भी सोचना नहीं है। तो उस हिसाब से फिर उस लेडी को भी वो सारे चीज़ें समझ में आई, और उस इतना खुशी से इतना उत्तेजित होके वो वहाँ से गई, और उस दिन से वो अपने पे काम करना चालू कर दी। तो उसी हिसाब से 2023 में अगर आपके तरफ से समझो कि आपने किसी को हर्ट किए हो या फिर आपको कोई हर्ट भी किया होगा, तो छोड़ दो, जस्ट लेट इट गो। क्योंकि उसी के ऊपर रहने से अच्छा है कि पास्ट में रहने से अच्छा है कि प्रेजेंट में काम करना है। और आपको बोल रही हूँ और मुझे भी वही करना है कि मुझे सैड रहना नहीं है, मुझे पिकअप करना है और आगे बढ़ना है और रिस्टार्ट करना है पूरी ज़िंदगी अपनी, है ना। और दूसरी बात, मन को क्लीन रखना है, मन की स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। जब से कोविड होके गया है ना, इतना लोनलीनेस फील कर रहे हैं ना हम लोग एक दूसरे के लिए। जो भी अटैचमेंट्स है मन में, बहुत सारे अटैचमेंट्स है, पर हम लोग एक दूसरे को अभी एक्सप्रेस करने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है। तो उसके चलते ऐसे क्या हो रहा है, मन में ना बहुत सारे एक दूसरे के लिए हेटरेट्स रहते हैं। तो मन को क्लीन रखना है, समझो अगर आपको कोई कुछ बोला होगा तो इट्स ओके, उसको क्लीन करना है। मैं एग्जांपल देती हूँ आपको, एक बंदा रहता है, उसको इतना शौक़ रहता है ना कि वो खुद को क्लीन रखने का बहुत शौक़ रहता है। वो सब इंटरनेशनल जैसे इट्स लाइक अ बॉडी सोप ले लो, परफ्यूम ले लो, टॉवल ले लो, अलग 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 देश विदेश से मंगा के उतना शौक से वो खुद को क्लीन करता रहता है। सब अच्छे से क्लीन हुआ, फिर उसको बाहर जाने का टाइम आया तो फिर वो बाहर गया। जैसे ही बाहर गया तो जो भी पॉल्यूशन रहता है उससे स्वेटिंग होके ये वो सब करके घर पे जब रिटर्न आया तो उसको लगा कि जैसे मैं गया था वैसे तो मैं आया नहीं हूँ रिटर्न, तो मुझे फिर से नहाना है, मुझे फिर से सब परफ्यूम्स वगैरह यूज़ करना है, वॉट एवर ही वॉन्टेड टू यूज़ इट, तो सब उसको करना है। पर उसने आया घर पे वापस, उसने सारे चीज़ें फिर से क्लीन किया। मतलब ये ना हम लोगों का डेली रूटीन का काम है ना खुद को क्लीन रखना। तो सेम उसी तरह से अपना मन को भी क्लीन रखना है। हाँ, आपको कोई तो बोला होगा कि हाँ भाई तो ऐसी है तो ऐसा है, या फिर आपने किसी को बोला होगा, अरे छोड़ दो, सुबह बोलते होंगे शाम को उसको क्लीन करो, दूसरे दिन आपके मन में उस बात को लेके कुछ भी 1% पे रहना नहीं चाहिए। हाँ, नेक्स्ट डे उठो, फिर से कॉल करो, फिर से बात करो, मूव ऑन होते रहो, रिलेशन बॉन्डिंग अच्छा बनाओ इस बार ना 2024 में, क्योंकि जो लोनलीनेस बढ़ते जा रहा है, गैप, रिलेशन गैप इतना हो रहा है ना, बहुत हो रहा है। तो उसको कम करने के लिए अपना मन को क्लीन रखो, और खुद को खुश रखने के लिए पास्ट में जीना नहीं है, बिल्कुल भी पास्ट की तरफ देखना नहीं है, सिर्फ प्रेजेंट में जीना है जो भी है। और आपके नेबर्स के साथ, आपके घर वालों के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ, आपके बच्चों के साथ, जो भी है, एकदम हंसते खेलते एकदम क्लीन हार्ट से सबके साथ खुश रहो। एक्चुअली कोविड का मैं आपको बोल रही थी ना, कोविड से मुझे याद आया, एक्चुअली मुझे भी कोविड हो गया था। मॉम डैड चले गए, वो जाने के बाद मेरे हस्बैंड को हो गया कोविड, फिर उनके बाद मुझे हुआ, फिर बेटे को, फिर काफ़ी दिन वो सब घर पे चलता रहा माहौल, काफ़ी वीकनेस वगैरह आया था। हाँ, USA में तो आया है वापस कोविड, जैसे न्यूज़ में आप देख रहे हो सब जगह ये रिटर्न आया है, पर काफ़ी पेनफुल है यार। वैक्सीनेशंस तो लिए हैं फिर भी बहुत कुछ पेन तो सहन करना पड़ रहा है। तो वो सब चल रहा था, इसके चलते मुझे वीडियोज़ नहीं बनाना हुआ, और मॉम डैड भी अच्छे से पहुंच गए इंडिया, और उनके बच्चों के साथ वो भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। दुखी तो थी मैं ही, अभी मैं भी ओके हो रही हूँ, और आप लोग तो है ही, आपके साथ तो शेयर करने के लिए मिलता है, मुझे खूब सारे बातें करने के लिए मिलता है। भले आप मुझे रिप्लाई कमेंट्स करो नहीं करो, दैट्स ओके, बट मैं आपके साथ एक्सप्रेस कर पा सकती हूँ ना, वही मेरे लिए एक मेडिसिन के जैसा काम करता है। मन खोल के जो भी हो मैं आपके साथ बात करते रहती हूँ। तो चलिए, इसी के साथ मैं आज का वीडियो स्टॉप कर रही हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करना और शेयर करना, और प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर।